वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ बेंगलोर से दिल्ली और आ रहा हूँ मैं माले से बेंगलोर। तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ AI808 में। बैगेज वगैरह मैंने सामने एयर इंडिया के काउंटर है वहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। यहाँ का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और अच्छा है, काफ़ी जल्दी काम हो गया। दिल्ली में काफ़ी टाइम लगा था जब मैं माले जा रहा था, और एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बनाया है, दिखाता हूँ अभी। तो ये जो एयरपोर्ट है ये थोड़ा बैम्बू स्टाइल में बना है, और मेरे ख्याल से अभी नया ही है, तो पूरा ये बैम्बू स्टाइल का इस्तेमाल किया है। ऊपर इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ताकि ऑक्सीजन बनी रहे, मुझे लगता है ऑक्सीजन की कमी है यहाँ। एक बार 360 डिग्री व्यू और ओमनी डायरेक्शनल व्यू भी लेना पड़ेगा यहाँ का, कि स्लिप कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। अब तक तो मैं 360 डिग्री व्यू ही ले रहा था। अब ऊपर का तो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, हम लोग वहाँ से आए थे, उसके बाद नीचे गए, अभी बैगेज वगैरह ड्रॉप कर दिया, अभी घूम रहे एयरपोर्ट पे, फिर डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ बढ़ेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे जाएंगे अंदर। तो बेंगलोर का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, नया बना है और बैम्बू स्टाइल में बना है, और ऊपर ग्रीनरी काफ़ी है। तो एक बार ज़रा इसका 360 डिग्री व्यू ले लिया जाए। तो एंट्री हमारी हो गई है डोमेस्टिक में, अब जाके सिर्फ फ्लाइट पकड़नी है। बाकी यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है।
तो गेट को लेकर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पहले D10 था, फिर D13 हुआ, अभी D7 हो गया। लास्ट मोमेंट तो नहीं, अभी 10-15 मिनट है बोर्डिंग में, लेकिन एयरक्राफ्ट मुझे दिख नहीं रहा। फाइनली सारी चेकिंग फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए। जहाज के अंदर बोर्डिंग चल रही है, फ्लाइट थोड़ी सी डिले है, फिर भी ऑन टाइम लिखा हुआ है। गया नीचे, थोक दिया कैमरा देख। विंडो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। ये हिंदुस्तान की पहली लड़की है जिसे विंडो सीट नहीं चाहिए। मेरे मजे आ गए। कर गया नीचे। यदि आप चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।
इंडिया के अंदर अगर अभी जिस एयरक्राफ्ट में है इसका नाम है एयरबस, एयरबस के अंदर बैठ के पास बस क्या हो रहा है दोस्ती ₹240 की है बस क्या चल रहा चल क्या रहा है आ गया जी खाना काफी तो पता ठीक ठाक है छोले खत्म करता हूँ उसके बाद लेमन राइस खाता हूँ लेमन राइस भी बढ़िया है ज़्यादा जो अजीब सी बात है या इनके लिए जो एक बात है वो ये कि इन्हें अभी आगे सुबह 8 बजे फिर से बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ ली बैक टू बैक 3 फ्लाइट है कैसा लग रहा है तब तो नहीं की थकावट होगी जब 12 या 14 घंटे ट्रैवल करोगे थोड़ी देर का आराम मिलेगा ही नहीं उसके बाद फिर से टेक ऑफ करेंगी कैसा लग रहा भाई ऐसे बढ़िया लग रहा Thank you.
रहा है 11:55, आ गए काफ़ी थक गया हूँ। अब है दिल्ली, एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते ही ठंड का एहसास। अभी जैकेट निकालूंगा मैं, 12 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, वहाँ पे तो भूल ही गए थे ठंड क्या होती है। कितना भी हनीमून मना लो, कितना भी घूम लो, अपने घर जाने की खुशी, ये जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इसका एंबियंस देख लो, यहाँ पे जब वापसी आते हैं तो अलग ही एक सेटिस्फेक्शन होता है। बेंगलोर का एयरपोर्ट चाहे कितना खूबसूरत हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे। सेटिस्फेक्शन यहाँ सुकून यही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुकून यही पर है। तो आ गए जी एयरपोर्ट के बाहर, सामान हमें थोड़ा जल्दी मिल गया था आज, फ्लाइट ने भी बिल्कुल ठीक टाइम पे उतारा, 11:55 का टाइम था, 11:55 पे गेट पे लगा के इंजन बंद कर दिए थे। तो अभी हमें घर से कोई लेने आ रहा है, हालत थोड़ी टाइट है, थक गए हैं काफ़ी, सुबह 7 बजे के उठे हुए, अभी 12:30 हो रहे हैं। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए